थानाध्यक्ष की पिटाई से पीड़ित युवक ने फफक फफक कर रोते हुए बताया आप बीती। सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से हो रहा वायरल थानाध्यक्ष समनपुर द्वारा एक बेनामा शुदा जमीन पर विपक्षी को कब्जा दिलाने का लगातार प्रयास किया जा रहा था और थानाध्यक्ष कहते थे कि 12 साल पहले का बेनामा अपने आप समाप्त हो जाता है। जब पीड़ित युवक ने थानाध्यक्ष से लिखित में मांग लिया तो फिर क्या था, थानाध्यक्ष दीपक आपे से बाहर हो गया और लात घूंसे से पिटाई करना शुरू कर दिया तथा CRPC की धारा 151 में चालान कर दिया। पीड़ित युवक अपने ऊपर थानाध्यक्ष समनपुर के द्वारा पिटाई का जिक्र करते हुए फफक फफक कर रोते हुए अपनी मजबूरी भी बताया कि उनके पिता का ऑपरेशन हुआ है और माँ घर पर अकेली है, कौन उसकी मदद करेगा। क्यों रो रहे हैं आप? सर, हमें तो रोना था, आपने मारा है आज, केवल सवाल पूछे हैं, सवाल के लिए हमें बहुत मारा गया, लातों जूतों से देखिए अभी तक दाग है जूतों का, पैर पे लातों घूंसों से मारा गया। कहाँ के दरोगा जी मारे हैं? समनपुर, दीपक सिंह। क्यों मारे हैं कुछ तो? बस सवाल पूछ लिए, बस हमारी जमीनी भी बात था, सवाल पूछने के नाते हमें लातों घूंसों से मारा गया और कुछ नहीं किया। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मजीसा गांव। और 151 में चलान कर दिया मारने के बाद। तो इस मामले को लेकर आपने शिकायत किया कहीं? अभी कहीं नहीं, अभी देखो 151 के चलान में भेजे हैं यहाँ पे जी। अब हम क्या करें, मम पापा हमारे ऑपरेशन कराए, मम्मी घर पे है और कोई है भी नहीं, क्या करें सर, हमारा कहीं नहीं सुनवाई होगा।